फोन हो जा रहा है, लाइन माइन आ रही है तो मतलब होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये व्लॉग लास्ट व्लॉग का नेक्स्ट पार्ट है। तो लास्ट व्लॉग आपने देखा था, मैंने कपड़े डाल दिए थे और उसके बाद मैंने व्लॉग को एंड कर दिया था, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबी हो गई थी तो इसलिए मैंने व्लॉग को एंड कर दिया था। उसके बाद मैंने ये नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट किया था। तो ये 3 बजे का टाइम हो रहा था, 3:15 हो रहा था और ये थर्सडे का दिन है। तो देख सकते हैं कि धूप कितनी सारी आई हुई है बालकनी में, और विंटर के टाइम में हमें धूप चाहिए होता है ना, तो हमें छत पे जाना पड़ता है। मतलब ऐसा सिचुएशन रहता है। और मतलब विंटर में बिल्कुल भी धूप नहीं आती, मॉर्निंग में हल्की फुल्की धूप आती है और फिर शाम को हल्की फुल्की आती है, और जब समर में हमें धूप की ज़रूरत नहीं होती है तो देखो कितनी सारी धूप आ रही है। और यहाँ पर आपने सुबह देखा था, आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, तो इसमें मैंने जिस मस्क मेलन कट करके नितिन को दिया था ऑफिस ले जाने के लिए, तो उसके जो सीड्स थे ना, ये सीड्स काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने सोचा इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और सुखा के कुछ भी मतलब डेजर्ट वगैरह कुछ बनाऊँगी तो उसमें यूज़ आ जाएगा, या फिर ऐसे भी हम खा सकते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है ये। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से धो लिया था और यहाँ पे धूप में रखने जा रही थी, जिससे कि अच्छे से सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो मैं स्टोर करके रख लूँगी। तो ये अगर मतलब अच्छा है तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ख़रीदने जाओ तो अच्छा खासा महंगा मिल जाता है ये, और इसका सीड्स बहुत ही अच्छा था। उसके बाद ये शाम का टाइम हो रहा है, तो शाम को मैं यहाँ पे मतलब मन कर रहा था कुछ चटपटा सच बनाने के लिए, तो यहाँ पे क्योंकि सुबह हमने खिचड़ी खाई थी और शाम के टाइम में सोचा था कि मतलब कुछ अच्छा सा खाएंगे, तो मतलब अच्छा सा बट चटपटा और हल्का फुल्का कुछ चाहिए था। सो ये ऐसी सब्जी है ना जो बचपन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, तो कभी कभी हमारे भरवा बैंगन वगैरह बनता था तो उसके साथ में बन जाता था। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल के उसमें जीरा और लाल मिर्च एक सूखा और उस तेज़पत्ते को डाल के छौंक लगा दिया, और आलू मैंने राउंड शेप में जैसे पकौड़े बनाते वैसे कट कर लिया था। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा ऐसे फ्राई कर लेंगे जिसमें आधा पक जाएगा, उसके बाद इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। उसके बाद लाल मिर्च और लहसुन और जीरा और साबुत धनिया, इन चारों का पेस्ट रेडी कर लेना है। और देख सकते हैं कि आलू जैसे आधा पक जाएगा, उसके बाद इस मसाले को हम इसमें डाल देंगे, तो ये एकदम चटपटा सा फ्लेवर देता है पूरा। और बिल्कुल भी इसके अलावा आपको कोई गर्म मसाला वगैरह यूज़ नहीं करना, सिर्फ हल्दी नमक डालनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये जब आप देख सकते हैं, थोड़ा पानी मैंने इसमें डाला है, क्योंकि जो भी मिक्सर ग्राइंडर में आपका ये मसाला चिपका हुआ था तो वो पानी थोड़ा सा मिला के मैंने इसमें डाल दिया है। लेकिन आँच इसकी ना थोड़ी हाई फ्लेम पर रखी हुई है, जिससे कि ये जो पानी है, पानी थोड़ा जल्दी से उड़ जाएगा, क्योंकि अगर हम अभी इस को धीमी आँच पर पकाएंगे तो आलू पूरा एकदम हलवे जैसा हो जाएगा। तो जब पानी डालते हैं ना इसमें, इस वाली सब्जी में, तो थोड़े आँच को थोड़े हाई फ्लेम पे ही रखते हैं, जिससे कि ये पानी जब सूख जाएगा, आधा पानी हो जाएगा, तो उसके बाद लो फ्लेम कर देते हैं। इसको ओपन करके ही पकाना है, जब एकदम पानी हल्का हो जाएगा, लाइक थोड़ा बहुत रहेगा, तब ढक के पकाएंगे। और इसको पूरा एकदम ड्राई फॉर्म में बनाना है, एकदम चटपटा वाला टेस्ट आता है। तो उसको आप आलू की मतलब पूरी के साथ में या रोटी के साथ में, या सबसे अच्छा दाल चावल के साथ इसका टेस्ट लगता है। तो अगर दाल चावल के साथ आपको कुछ ऐसा खाना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, या पूरी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज हमने सोचा था कि ये ऐसी सब्जी बनी है तो इसके साथ पूरी और चाय बनाते हैं, क्योंकि मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही पसंद है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि मतलब चाय ज़रूरी है क्या, बट चाय इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे मैं बना रही थी तभी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, तो नितिन ऑफिस आने के बाद से सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर लाइट जलाई बड़ी वाली, क्योंकि बड़ी वाली लाइट इनको चाहिए होता, पूरा घर में लाइट लाइट चाहिए। तो यहाँ पे एक्वेरियम का मतलब मछलियों को खाना आजकल इनसे ही बोलते हैं डाल दिया करो, तो उसे क्या, तो इनको पता रहता है कि हाँ डालना है, वरना मैं सारा कुछ करती थी। लेकिन कुछ टाइम से मतलब काफ़ी महीनों से ये खुद से ही डाल रहे मछलियों को दाना वगैरह। और इसके बाद मैं यहाँ पे पूरियाँ बेलने के लिए आ गई थी, तो पूरियाँ बेल के और रख लेती हूँ, उसके बाद मैं तलती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली मैं हो नहीं पाता है। कढ़ाई रख लिया, तेल गर्म हो रहा है, उसके साथ से मैं पूरियाँ बेलती जाऊँ तलूँ, ये मेरे से नहीं हो पाता है। तो मैं 8-10 पूरियाँ बेल के रख लेती हूँ, उसके बाद तलती हूँ, क्योंकि जब पूरियाँ बेल के फुलाते हैं ना, तो जो फूली फूली पूरियाँ होती है वही खाने में अच्छा लगता है। थोड़ी पिचक सी जाती है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और सफाई का मेरे अंदर इतना ज़्यादा मतलब वो है ना, OCD टाइप्स कह लो, तो किचन में जैसे कुछ भी आटा वाटा गिरता है मैं तुरंत पोंछने लगती हूँ। वैसे कई लोग कहते हैं कि मतलब रोटियां बेलते समय उसके बाद थोड़ी देर तक पोंछना नहीं चाहिए, बट मेरे से वो देखा ही नहीं जाता है, मुझे लगता है कि अभी पोंछ दो अभी पोंछ दो, ऐसा वाला हाल रहता है। तो यहाँ पे पूरियाँ देख सकते हैं, जब ये फुली फुली पूरियाँ निकलती है ना तो एकदम लाइट वेट होती हैं खाने में, मतलब अच्छा लगता है टेस्ट के हिसाब से। और जो थोड़ी पिचक जाती है ना, हैवी हो जाती हैं, हैवी वाला बिल्कुल भी मन नहीं होता है खाने के लिए। तो यहाँ पे पूरियाँ बेल के मैंने रख लिया था, और उसके बाद मतलब चाय चढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि पूरी सब्जी और चाय, और साथ में तो पानी वगैरह जिसको पीना पहले पी लिया फिर बाद में चाय पी लेंगे।
तो ऐसे ही मतलब हमारा डिनर बनना था कुछ स्पाइसी। ये वैसे तो लोग इसको ब्रेकफास्ट में करते हैं बट आज हम डिनर में ऐसा कर रहे थे, तो साथ ही साथ चाय बन रही थी। और बस मेरा शाम का कुछ खास ऐसा रूटीन नहीं था आज का। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी ना कि आप बाहर का जितना भी खा लो, कुछ भी खा लो बाहर, कितना भी मतलब अच्छा चीज़ खा लो, पर जो घर के जो सिंपल खाना होता है ना उसको बीट कर ही नहीं सकता। वो चाहे दाल रोटी सब्जी हो गई या दाल चावल सब्जी हो गई, जो घर का खाना हो तो उसमें बात ही अलग होती है। तो ये तो जो लोग भी घरेलू अपना खाना खाते हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि घर के खाने की बात अलग होती है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं ना तो वहाँ पे 8-10 दिन अच्छा खाना खाएंगे, फिर 11वें दिन हमें यही लगेगा, 11वें के हमें दूसरे तीसरे दिन ही लगने लगता है कि जल्दी से घर चलो घर चलो, या घर का दाल चावल मिल जाए, घर का दाल रोटी मिल जाए। तो मतलब पता नहीं क्यों घर का खाने का एक अलग ही टेस्ट होता है, क्या कह लो, मतलब कुछ आज तक समझ नहीं आया इस चीज़ का कि घर के खाने की बात ही क्या होती है। कि जब कहीं भी कोई घूमने जाता है या फिर कुछ भी ऐसा हो तो हमें घर के खाने की याद क्यों इतनी आती है। तो देख सकते हैं ये हमारा रात का डिनर रेडी हो गया है, और बहुत ही अच्छा डिनर है जो कि ब्रेकफास्ट होना चाहिए बट ये रात में हम खा सकते हैं। तो खाने का कोई ऐसा टाइम नहीं होता है, जब जो चीज़ें मन करे खा सकते हो खाने में। तो यहाँ पर हमने अपना डिनर रेडी कर लिया था और नितिन यहाँ पर बैठ गए थे और हम पंचायत देख रहे थे। तो 2 दिन से हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, जब भी हम देखने जा रहे हैं या तो इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जा रही है। और आज तो ऐसा हो रहा था कि मैं अपना फोन रिकॉर्ड कर रही थी तो अचानक रिकॉर्ड होते होते 2 सेकंड के बाद ही फोन बंद हो जा रहा है। लाइन माइन आ रही था तो मतलब होता है, लाइन नहीं ऑटोमेटिक में फोन बंद हो जा रहा है। 60 FPS पे वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जा रहा है, मैं 30 पे लगाया तो 60 पे होना शुरू हो गया। सुनो उधर पता कौन है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ हनुमान जी है? हाँ हनुमान जी हमारे घर में है, भोलेनाथ है, देख सकते हैं हमारे घर में हनुमान जी उधर भी है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सो नितिन जैसे ही ऑफिस से आए ना अचानक से कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी, मतलब वो तो ऐसे कोइंसिडेंस हो सकता है, बट मैंने बोला कि यार लग रहा है भूत आ गया है क्या, कि अचानक से फ़ोन के साथ ऐसा हो रहा है। फ़ोन इतने देर तक तो रिकॉर्ड ही हुआ है बट अभी कैसे बंद हो जा रहा है, ना फ़ोन गर्म है ना कुछ प्रॉब्लम, फिर फ़ोन क्यों बंद हो जा रहा है? टीवी भी बंद हो जा रही थी, मतलब पॉज हो जा रही थी पता नहीं कैसे। तो कोई नहीं, कुछ ऐसा था नहीं क्योंकि ऐसा कभी आज तक हमने फील नहीं किया है, तो टच वुड कैसा कभी कुछ होगा नहीं, और भगवान जी की मतलब कृपा तो पूरे घर पर रहती ही रहती है, तो ऐसा कुछ कभी मुझे डर लगता ही नहीं इस घर में रह के। तो फाइनली यहाँ पे हमारा माहौल सेट था और देख सकते हैं कि हम अपनी मूवी एंजॉय करने वाले हैं। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।